लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की चर्चा इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत तो मिला है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की भूमिका इस समय बढ़ गई है। नीतीश कुमार की बात करें तो वो बिहार के करीब 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। उनकी छवि अब तक बेदाग है और उनकी विनम्रता जनता से उनको करीब लाती है। इतने साल सीएम रहने के बावजूद उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार नीतीश कुमार की संपत्ति चल और अचल के रूप में 1.64 करोड़ रुपए की है। उनके पास 22,552 रुपए कैश हैं, जबकि बैंक में सिर्फ 49,202 रुपए ही जमा हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है, जिसकी कीमत करीब 11.32 लाख रुपए है। उनके पास 1.28 लाख रुपए के 2 सोने और 1 चांदी की अंगूठी भी है। नीतीश कुमार की अन्य चल संपत्ति में 1.45 लाख रुपए की 13 गायें और 10 बछड़े शामिल हैं। उनके पास एक ट्रेडमिल, एक साइकिल और एक माइक्रोवेव ओवन भी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एकमात्र अचल संपत्ति है, जो कि नई दिल्ली के द्वारका में उनका एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत साल 2004 में 13.78 लाख रुपए थी। उसकी कीमत अब करीब 1.48 करोड़ रुपए की हो गई है। वहीं नीतीश कुमार के अगर परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनका एक बेटा है जिसका नाम निशांत कुमार है। साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटे की संपत्ति उनसे करीब 5 गुना ज्यादा है। नीतीश कुमार के पास 1.63 करोड़ रुपए की चल और 1.98 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद केंद्र में सरकार बनाने को लेकर के इस समय पूरे देश भर में सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार पर लगातार नजरें रखी जा रही हैं, क्योंकि ऐसे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं। वहीं एनडीए की तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज शाम को भी मीटिंग होने वाली है और लगभग सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश किया जा चुका है।